जयपुर में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार और नकल के मामलों की एसओजी जांच की मांग की है। ये लोग परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आज शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा जुटे। इनका कहना है कि 13 सितंबर को आयोजित पेपर पहले ही लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। परीक्षा केंद्रों से नकल के वीडियो भी सामने आए थे और ऐसे में सरकार पिछली परीक्षाओं को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा का आयोजन कर पाए। एसओजी से जांच करवाने की मांग फिलहाल ये लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार परीक्षाओं में हो रही धांधली पर अब युवाओं में आक्रोश है और इसी को लेकर आज शहीद स्मारक पर तमाम बेरोजगारों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। पिछले दिनों 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा के आयोजन के साथ से ही विवाद इसके साथ जुड़ गए हैं। इस परीक्षा को रद्द करवाने और एसओजी से जांच की मांग को लेकर आज शहीद स्मारक पे बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बेरोजगार युवा हैं वे जुटे हैं। उनका ये कहना है कि ये पेपर परीक्षा से पहले ही जो बाहर है एग्जाम सेंटर से बाहर आ गया, तो उसके बाद से ही कभी एग्जाम सेंटर के वीडियो बाहर आ रहे हैं तो कभी आंसर की बाहर आ रही है। इसके साथ ही आंसर की ले जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। यहाँ कुछ भर्ती से जुड़े बेरोजगार हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या डिमांड है आपकी। देखिए सर, मेरा नाम सुमित शर्मा है और जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जो आयोजित हुई है 13 से लेकर 15 सितंबर के बीच में, पहली बात तो ये 3 दिन में आयोजित हुई है, जबकि रीट के कैंडिडेट 26 लाख हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वालों के साथ में इतना बड़ा भेदभाव क्यों? एक दिन में एग्जाम हो सकती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने 3 दिन में करवा दी। लेकिन सबसे पहले 13 तारीख को जैसे एग्जाम आयोजित हुई तो बीकानेर से पेपर लीक हुआ और व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग 1000 कैंडिडेट के पास में वो पेपर पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल आरपीएससी पर कि क्या भर्ती प्रक्रिया कोई भी पारदर्शिता से नहीं हो सकती? देखो, सबसे पहले तो आरपीएससी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम इस्तीफा मांगते हैं कि उनसे आरपीएससी नहीं संभल रही, क्योंकि जो जिस प्रकार बीकानेर से जो पेपर पाली पहुंचा 12 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने आंसर की उसका पेपर को हल करके दिया गया है। और वो कहां कहां तक पहुंचा, 859 पे ये भर्ती है और हजारों में से वो पेपर पहुंच चुका हो, तो फिर भर्ती का क्या मतलब हुआ? कैसे कह रहे हैं कि भर्ती पारदर्शिता के साथ आरपीसी ने करवा दी? इसके अलावा जब 4 सितंबर को एक दिन में परीक्षा आयोजित कर रही थी तो अचानक इन्होंने तारीख आगे क्यों बढ़ाई? जब रीट की जब 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जब एग्जाम दे सकते हैं तो क्या एक दिन में एग्जाम नहीं हो सकती? एक बड़ा सवाल आरपीएससी पे लग रहा है। आरपीएससी में धांधलीबाजी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, जो आरोप लगे थे सदस्यों तक आज तक उनका खुलासा नहीं हुआ। बिल्कुल, राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पूरी अगर परीक्षा की बात की जाए तो लगातार पेपर के नकल के मामले, इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। ऐसे में अब बेरोजगारों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है कि इस मामले की एसओजी से जांच करके जल्द से जल्द इस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से एक दिन में परीक्षा का आयोजन किया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।